أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. और जब हज उमरा करना हो तो उस हज उमरा को अल्लाह ताला के वास्ते पूरा पूरा अदा किया करो, फिर अगर किसी दुश्मन या मर्ज के सबब रोक दिए जाओ तो कुर्बानी का जानवर जो कुछ मयस्सर हो ज़बह करो और अपने सरों को उस वक्त तक मत मुंडाओ जब तक कि कुर्बानी अपने मौके पर न पहुंच जाए। अलबत्ता अगर तुम में से कोई बीमार हो या उसके सर में कुछ तकलीफ हो तो वो सर मुड़वा कर फिदिया यानी उसका शरी बदला दे दे, तीन रोजे से या छह मिस्कीन को खैरात दे देने या एक बकरी ज़बह कर देने से। फिर जब अमन की हालत में हो जो शख्स उम्रे से उसको हज के साथ मिलाकर मुंतफा हुआ हो यानी अय्याम हज में उम्रा भी किया हो तो जो कुछ कुर्बानी मयस्सर हो ज़बह करे। फिर जिस शख्स को कुर्बानी का जानवर मयस्सर ना हो तो उसके जिम्मे तीन दिन के रोज़े हैं अय्याम हज में और साथ हैं जिसको हज से तुम्हारे लौटने का वक्त आ जावे ये पूरे 10 दिन हुए। ये उस शख्स के लिए है जिसके अहलोयाल मस्जिद हराम यानी काबा के कुर्ब में न रहते हों और अल्लाह ताला से डरते रहो और जान लो कि बिलाशुबा अल्लाह ताला सजाए सख्त देते हैं। कई दिनों से आपके सामने सूरह बकरा की 196 नंबर की आयत पढ़ी जा रही है। आज इस आयत करीमा में थोड़े से जो अहकाम व मसाइल अल्लाह ताला ने बयान फरमाए उसको बयान करता। सबसे पहली चीज़, अगर किसी आदमी ने हज उमरा का एहराम बांधा हो और रास्ते में कोई रुकावट आ गई हो तो उस रुकावट की वजह से अल्लाह ताला ने उन हज उमरा करने वालों को ये आसानी दी है कि अगर किसी दुश्मन का कोई खौफ हो या दुश्मन ने उमरा करने से रोक दिया, जैसा कि कल मैंने आपके सामने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम को कुफारे मक्का ने उमरा करने से रोक दिया और जिद पर अड़ गए कि किसी सूरत में भी तुम लोगों को हम मक्के के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपना हलक करवा लिया, कुर्बानी दे दी और बगैर उमरा किए वापस चले आए। तो अल्लाह ताला ने इस मसले को आज भी बरकरार रखा है कि अगर किसी के साथ ऐसी नौबत आए तो वो ये काम करे कि हज उमरा करने के बजाय कुर्बानी पेश कर दे और कुर्बानी को उस वक्त तक हल्क न कराए, कुर्बानी जब तक ना हो जाए। तो मसला जहाँ ये पेश आता है कि कुर्बानी के बारे में कैसा मालूम होगा कि कुर्बानी हो गई नहीं हो गई, जैसा आज भी ऐसे ही हो रहा, हाजी लोग अपना पैसा दे देते मुअल्लिमीन को या जिम्मेदारों को और वो कुर्बानी कर देता तो कैसा मालूम हो कि कुर्बानी हुई या नहीं हुई। तो इसके बारे में उलमा लिखते हैं एक अंदाज़ा लगा दे, अंदाजा लगा करके कि कुर्बानी हो गई होगी, बस उसके एतबार से अपना हल्क करवा दे और या तो हल्क पूरा सर मुंडा दे या तो पूरे बाल कटा दे, ये भी शरीयत के अंदर इख्तियार दिया गया, लेकिन औरतों को मुंडाना और औरतों को पूरे बाल कटाना जायज नहीं है, बस थोड़े से बाल कटा दे उसका हल्क हो गया और वो उम्रे से एहराम से निकल जाएगी। तो अल्लाह ताला एक तो ये मसला बयान किया कि अगर कोई तुमको रोक दे दुश्मनों के जरिए से रुकावट हो या किसी और जरिए से रुकावट हो तो तुम अपनी कुर्बानी हुदूद हरम में भेज दो और वहां कुर्बानी कर दे और यहाँ तुम हल्क करा लो जब यकीन हो जाए कि कुर्बानी हो गई होगी। एक मसला ये बयान किया गया। एक मसला ये बयान किया गया कि अगर तुम में से कोई बीमार हो जाए, बीमारी में बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसा कि हदीस शरीफ के अंदर हजरत काब बिन उजला रजी अल्लाह ताला अनु का वाकया है कि हज के दिनों में ये एहराम में थे और इनके सर में इतनी जुएं हो गई थी, इतनी जुएं हो गई थी कि वो जुआ निकल निकल करके यहाँ जुएं आ रही थी चेहरे पर और वो नजर आ रही थी जुएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ए काब इब्न उजरा,
क्या तुम ये नहीं कर सकते कि तुम एक कुर्बानी पेश कर दो? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो बहुत ही मुफलिस हूँ, तंगदस्त हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ऐसा करो, तीन रोजे रख लो, या तो तुम फिदिया दे दो। तीन इख्तियार दिए गए, अगर कोई आदमी बीमार हो, परेशान हाल हो बीमारी से, और उसको कोई परेशानी हो और वो हल्क कराना चाहता हो यानी एहराम खोलना चाहता हो, तो उसके लिए तीन इख्तियार दिए गए। एक तो ये कि वो कुर्बानी कर दे, बकरी है, ऊंट है, गाय है, इसमें से जो मैसर वो कर दे। दूसरा इख्तियार ये दिया कि तीन रोजे रख ले, और अगर ये नहीं कर सकता तो वो फिदिया दे दे छह मिस्कीन को फिदिया दे दे। उसके बाद आगे एक मसला ये बयान किया गया कि अगर कोई आदमी किरान अगर किसी आदमी ने किया हो, किरान और तमत्तो, जैसा मैंने बयान किया परसों कि किरान ये है कि एक ही एहराम से हज भी करे उमरा भी करे, एक ही एहराम से हज भी करे उमरा भी करे, इसको कहते हैं किरान। और एक ये है तमत्तो, तमत्तो ये है कि एक आदमी ने उमरा हज के लिए हज के अय्याम में उमरे या हज का एहराम बांधा, तो पहले उमरा करे उसके बाद फिर एहराम को खोल दे और फिर दूसरे एहराम से हज करे, इसको क्या कहते हैं तमत्तो। अगर किसी आदमी ने ऐसा किया, हज तमत्तो या किरान किया, तो उसके लिए क्या है कि वो शुक्राने के तौर पर कुर्बानी पेश करे, शुक्राने के तौर पर क्या करे कुर्बानी पेश करे। अगर वो कुर्बानी पेश नहीं कर सकता तो 10 रोजे रखना उसके लिए जरूरी है। कब है? तीन रोजे तो ज़िलहिज्जा के 9 तारीख तक रख ले, 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक वो तीन रोजे रख ले। 7 रोजे उसकी मर्जी पर है, उसका इख्तियार है, या तो अपने वतन में आ जाए या तो वहीं रख ले, उसकी मर्जी है, जब सहूलत हो वो रोजा रख ले। लेकिन अगर किसी आदमी ने ये रोजे नहीं रखे तो उसके लिए कुर्बानी करना ही जरूरी है, या तो वो खुद कुर्बानी हुदूद हर में जाके कर ले, या तो किसी के जरिए भेज करके कुर्बानी करा ले। ये 10 है। उसके बाद आगे जो ये फरमाया अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने कि अगर कोई आदमी वही कराने वाला हो यानी मीकात हुदूद मीकात के अंदर कराने वाला हो तो उसके लिए किरान और हज का एहराम बांधना जायज नहीं है। अगर कोई आदमी हुदूद मीकात के अंदर रहने वाला हो तो हज और उमरे का एहराम बांधना उसके लिए जायज नहीं है। हुदूद मीकात के बाहर, मीकात किसको कहते हैं जहां से एहराम बांधा जाता, हर मुल्क के लिए अलग निशानी है। हिंदुस्तानी यहाँ से एहराम बांधे, पाकिस्तानी वहां से एहराम बांधे, दूसरे ममालिक के लोगों का अलग अलग मीकात है। तो मीकात के अंदर रहने वालों, हुदूद मीकात के अंदर रहने वालों के लिए हज उमरा का एहराम बांधना ये क्या जायज नहीं। अलबत्ता जो बाहर रहने वाले, क्योंकि उसको मौका नहीं मिलता बाहर जाने वालों को, तो उसके लिए जायज है वो एहराम और हज का एहराम एक साथ भी बांध ले। लेकिन हुदूद मीकात के अंदर के रहने वालों को दोनों ये काम करना जायज नहीं है, बाहर के रहने वालों को जायज है। उसके बाद आखिर आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि देखो गौर से सुन लो ये बात, वअलमु अन्नल्लाह शदीद वत्तकुल्लाह वअलमु, अल्लाह से डरो और अल्लाह से डरते डरते तुम अहकाम और मसाइल पर अच्छी तरीके से अमल करो। अगर तुमने अहकाम और मसाइल पर अमल न किए और बेएहतियाती की और बेपरवाही की तो अल्लाह ताला की पकड़ क्या बड़ी जबरदस्त है, अल्लाह की पकड़ बहुत जबरदस्त है। अल्लाह से डरते रहो, जान लो मसाइल को, अहकामात को, और अहकामात को मसाइल को जान करके हज उमरा करने की कोशिश करो। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म तो ये है कि अल्लाह से डर डर करके और मसाइल को अहकामात को मालूम करके हज उमरा करो। लेकिन आज बड़ा अलमिया ये है, बड़े अफसोस की बात ये, मौलाना शफी साहब कहते हैं कि बड़े अफसोस की बात ये है कि आज सुन्नत और मुस्तहबात जो हज के है वो मसाइल तो बहुत दूर की बात, आज हज करने वालों को फराइज और वाजिबात की भी वाकफियत नहीं है। मुअल्लिमीन की लापरवाही है, वहां के जिम्मेदारों की लापरवाही है, मर्जी हुई जैसा हज कर ले रहे, मसाइल से वाकफियत नहीं है, वाजिबात और फराइज तक मालूम नहीं, सुनानो मुस्तहबात तो बहुत दूर की बात है। तो अल्लाह तआला क्या फरमाना है, देखो सुनानो मुस्तहबात को और फराइज और वाजिबात को अच्छी तरीके से मालूम करके हज और उमरा करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, बेपरवाही की लापरवाही से तुमने हज किया उमरा किया,
तो अल्लाह ताला की बड़ी पकड़ क्या है, बड़ी जबरदस्त है और बड़ी सख्त है, कहीं तुम्हारी पकड़ ना हो जाए। तो 196 नंबर की आयत का मैंने आपके सामने चार दिनों में खुलासा बयान किया। बड़ी कोशिश के बाद और बड़ी मेहनत के बाद मैंने इन मसाइल को जहन के अंदर बिठाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं पूरे मसाइल जहन में नहीं बिठा सका। इसकी वजह क्या है, हज जो उमरा जिंदगी में बहुत सारे लोग करते ही नहीं है और बहुत सारे लोगों पर फर्ज है, वो गफलत और लापरवाही में नहीं करते, तो इस वजह से ये मसाइल चूंकि कम पेश आते हैं, इसलिए बड़ी मेहनत के बावजूद और बड़ी कोशिश के बावजूद पूरे मसाइल को जहन में मैं बैठा नहीं सका। इसके अंदर बहुत लापरवाही बहुत कोताही हुई होगी, मुझको ठीक से मालूम नहीं हुए मसाइल। जितना भी हो सका मैंने मसाइल को आपके सामने पेश करने की कोशिश की। अगर किसी किस्म की कोताही हो और किसी किस्म की गलती हो, क्योंकि ये तफसीर जाती है यूट्यूब पे, अगर किसी को मालूम हो कि कोई मसला गलत बयान हुआ तो कमेंट करके वो हमको इत्तला दे सकते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तआला हम तमाम मुसलमान हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत नसीब फरमाए, ईमान कामिल नसीब फरमाए, शिर्क से कुफ्र से निफाक से बदनीयती बद इखलासी हम सबकी हिफाजत फरमाए, तमाम बीमारों की शिफाए कामिला नसीब फरमाए, जो लोग कर्जों से परेशान हारे उनके कर्जों का अदायगी चकने पैदा फरमाए। سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.